दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही देशवासियों को महंगाई के कई झटके एक साथ लगे हैं। देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को आज बड़ा झटका लगा है। रिलायंस जियो के प्रीपेड रिचार्ज प्लान 21% तक महंगे हो गए हैं। आज से टीवी देखना भी महंगा हो गया है, क्योंकि डीटीएच रिचार्ज के लिए अब ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। माचिस की कीमतों में 14 साल बाद एक साथ दोगुनी वृद्धि हुई है। 1 रुपए की मिलने वाली माचिस आज से 2 रुपए की हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में एक साथ 100 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो गई है। दिल्ली में अब एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2101 रुपए है। आज से SBI के क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं को 99 रुपए की प्रोसेसिंग फीस और उस पर टैक्स चुकाना होगा। एक तरफ कई सारी चीजों के दाम बढ़े हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को बड़ा झटका दिया है। दरअसल बैंक ने बचत खातों पर मिलने वाली ब्याज दरों को सालाना 2.90% से घटाकर 2.80% कर दिया है। दिसंबर की शुरुआत होते ही जनता को एक साथ महंगाई के कई झटके लगे हैं। आम देशवासियों की जिंदगी महंगाई के दलदल में फंसकर लगातार मुश्किल होती जा रही है। अपना खजाना भरने के लिए सरकार जनता की जेब पर डाका डाल रही है।